फ्रेश कौसा चाहिए, कितना प्राइस? ठीक है तो गाइस जरा देखो मशक्कत जारी है। अपने स्कूल टाइम में भी अपन ऐसे ही जाते थे। ये रहे सब्जी वाले भाई साहब, सब्जी का भी रेट बढ़ गया। लेकिन उससे पहले गाइस आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और वो क्या खुशखबरी है भाई? रुक जा। मस्त तू गया बड़ा जैन भाई, कसम से बहुत ताकत लग रहा है भाई। मैं तो सोच रहा था कि एकदम फ्री चलेगा भाई। और उत्कर्ष की जो है हवा टाइट हो रही है धीरे धीरे करते। मंदिर बाहर से सुंदर दिख रहा है उतना ही मंदिर अंदर से भी है। देखो यहाँ पेटीएम हो रहा है, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक बन रहा है। जी मैं कह रही थी कि आज कोई बड़ा हॉट लग रहा है। कह रहे हो मैं? ओहो तो चलो फिर इसी बात में कर देते आज की इस न्यू ब्लॉग की शुरुआत। व्हाट्सअप यू ब्यूटीफुल पीपल, की हालचाल ना पर दिवांशु में अंदर की नमस्कार। देखो कौन आ रहा है। हेलो जाओ नाव करो जाओ। इस नया दिन नया ब्लॉग विद देवांशु के साथ आ चुका है सभी लोगों को एंटरटेन करने के लिए। सो गेट रेडी फॉर दिस। एंड गाइस आज है नवरात्रि का आठवां दिन यानी कि अष्टमी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन उससे पहले गाइस चलते पहले जल्दी से नीचे स्टॉल की तरफ, वहां से जो है नाश्ता लेके आएंगे। और क्यों लेके आ रहा हूं ऐसा मैं आप लोगों को मैं बाद में बताता हूं। तब तक जो आप लोग मेरे साथ बने रहो, अब जल्दी से चलते कहीं लेट ना हो जाए। और ऊपर से गाइस कितनी तेज धूप है यार, कितनी तेज धूप है। अच्छा हुआ मैंने जो है ना कैप वेयर कर लिया। गाइस हल्का सा जो है ना शेकीनेस नजर आएगा क्योंकि इस वक्त जो है ना मैं हाथ से पकड़ के व्लॉग कर रहा हूँ मोबाइल को बिना ट्राइपॉड के। देखो स्कूल बस जा रही है, एमजीएम की स्कूल बस। ओए ओए ओए, और अंकल जी यहाँ पे देखो आम तोड़ रहे हैं। जबरदस्त फल है ना आम, सभी बच्चे लोग जो है ना शाम को इकट्ठा हो जाते हैं यहाँ पे तोड़ने के लिए। सही है तोड़िए। और ये आ गया डोसा का स्टॉल। चलो फिर पहले पूछते कितने प्राइस का है क्योंकि हर चीज में जो है दाम बढ़ चुका है, पेट्रोल डीजल इवन तेल में भी। नमस्ते, एक दो सब पैक करना था। बिल्कुल कर देंगे। नहीं एक काम करो यहीं पे खा लेता हूँ, यहीं पे खा लूंगा। हेलो ठीक है, फ्रेश डोसा चाहिए, कितना प्राइस? ठीक है। और कुछ इस तरह देखो यहाँ पे डोसा बन रहा है, बढ़िया। ओए ओए कितना तेज हवा चल रहा है यार, धूल आ रहा है। कहीं ना कहीं मौसम बिगड़ा होगा, उसका असर यहाँ पे दिखा रहा है। अंकल वो लाल लाल वो चीज जो डालते हैं वो क्या बोलते हैं उसको? अच्छा बीट रूट ना। हाँ हाँ, इतना जल्दी? अरे वाह अपन भी बैठ जाते रे। तुम्हारा डोसा कहाँ है? डोसा नहीं खाओगे? गरम है रे यार, गर्मी में गरम गरम डोसा देख रहे हो भाई। जरा देखो मशक्कत जारी है कि नहीं। अपने स्कूल टाइम में भी अपन ऐसे ही जाते थे पूरे ग्रुप के साथ। धूप में तो हमारा भी हालत पूरा खराब हो जाता था। चलो आज पैदल यात्रा जो है व्लॉग हो जा रहा है थोड़ा सा। ये रहे सब्जी वाले भाई साहब, सब्जी का भी रेट बढ़ गया, कितना? अरे आलू प्याज का? चलो ठीक है। मैं नाश्ता करके आ चुका हूँ घर में और काफी ज्यादा गर्मी है बॉस, इसलिए जो है ना मैंने फैन ऑन कर दिया है, आराम से बैठा हूँ फैन के नीचे। लेकिन जरा मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं बाहर नाश्ता करने के लिए क्यों गया, क्योंकि गाइस मम्मी पापा गए हैं नानी के घर, जिसके कारण जो है ना घर पूरा साइलेंट हो चुका है, यानी कि घर की जिम्मेदारी जो है आ चुकी है मेरे पर फिर से थर्ड टाइम। इसलिए आज जो है ना सुबह मैं एकदम जल्दी जल्दी उठ गया था, सारा काम जो है मैंने फिनिश कर दिया, यानी कि घर को जो है एकदम क्लीन एंड क्लियर करना, पानी भरना और सारा कुछ काम यानी कि देखरेख मुझे ही करना पड़ेगा। जरा देखिए मेरे स्ट्रीट में कुल्फी वाला, वाह। और बच्चे लोग जो इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से, बढ़िया। लेकिन उससे पहले गाइस आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और वो क्या खुशखबरी है? उससे जाने के लिए जो ना आप लोगों को मेरा छोटा सा क्लिप वॉच इट करना पड़ेगा, तो वॉच इट कीजिएगा। ये रही हमारी प्यारी हायाबुसा और वर्सेस डुकाटी, यानी कि दोनों जो है धूल में नहा चुके हैं इस वक्त। पहले जो है ना इसको पहले बाहर निकालते। यहाँ दोस्तों आपने सही सोचा, इस वक्त जो है मैं लेके जा रहा हूँ अपनी प्यारी हायाबुसा को जो है बनवाने के लिए साइकिल दुकान में। और आज जो है ना इसका मुहूर्त आ चुका है, यानी कि फाइनली भैया आ चुके हैं, कहीं छुट्टी पे गए थे यानी कि गाँव तरफ गए थे, जिसके कारण जो है इतने दिनों से जो है ना शॉप बंद थी। तो फाइनली आज जो है भैया का भी मुहूर्त आ चुका है और मेरी प्यारी हायाबुसा का भी। तो जो है ना अभी मैं शांत एरिया में आके व्लॉग कर रहा था क्योंकि मुझे मालूम था, देख रहे हो रोड का हाल, जल्दी से जो है ना दे देते यार हायाबुसा को। लेकिन बहुत कंडीशन जो है ना इसकी दिन प्रतिदिन जो है ना खराब हो रही है। कितना धूल लग गया? और सुनाओ रेस्ट कर रहे हो? भैया इस वक्त देख रहे हैं कहां-कहां से जो है डैमेज है। आ गया हमारे साइकिल का नंबर, इसका एक तरफ का है देखो, यहां का हैंडल बार यहां से साइड से गया है और एक साइड का पैडल का टूट गया है और पीछे का केरियल जो है ना पूरा उस साइड पूरा बेंड हो गया। और मडगार्ड भी थोड़ा देख लेना, चक्का ठीक है ना? क्या करेगा इसमें, कल नया डालेगा कि ऐसी हल्का फुल्का सीधा कर दो? कर दो सीधा कर दो, पैडल लगा देता हूँ एक तो। तेरा ये पीछे का छन और बदली करना पड़ेगा। क्या क्या चेंज होगा इसमें देख लो। तो फाइनली ये रही हमारी प्यारी हायाबुसा जो कि आ चुकी है ऑन द रोड में, यानी कि फिर एक बार 200 होने वाला है। सारा मैं आप लोगों को फुल डिटेल वाइज दिखा दूं, यानी कि सर्विस होने के बाद हमारी प्यारी हायाबुसा कैसी लग रही है तो वॉच इट कीजिएगा। शुरुआत करते हैं सामने से, तो सामने का व्यू कुछ इस तरह का है। मैंने जो है ना कल एकदम वॉश कर दिया था एकदम क्लीन एंड क्लियर फॉर्म में। ये रहा देखो
हैंडल पूरा सीधा हो चुका है। यहाँ पे जो ना रॉड घुसा के जो है इसको सीधा किया गया, ये रहा नया पैडल लग चुका है एकदम क्लीन एंड क्लियर फॉर्म में, बस उधर का पैडल चेंज नहीं हुआ। और केरियल बहुत आवाज करता था, यहाँ पे दोनों स्क्रू लगा दिया गया, अब ठीक है यार, अब ठीक लग रहा है, रियली बता रहा हूँ, अब हायाबुसा लग रहा है, डेली बेसिस पे यही निकलेगी हमेशा। सियरा हमारा राइडिंग पार्टनर, अब यहाँ से जो है हमारा राइड चालू हो रहा है आगे की तरफ। सियरा गुरुद्वारा, वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, बाबा जी ब्लेस मी, शुभ यात्रा शुभ यात्रा शुभ यात्रा। भाई रुक जा, फास्ट तू गया बड़ा जय भाई, कसम से बहुत ताकत लग रहा है भाई, सर्विस होके आया है ना, मैं तो सोच रहा था कि एकदम फ्री चलेगा भाई, लेकिन थोड़ा सा जोर लग रहा है बड़ा। कुछ दिन जी ले अपनी जिंदगी R15 में, अभी हायाबुसा जो है ना अपनी स्पीड नहीं पकड़ा है, और अपन जो है ना सूरज से जो है बचते बचाते पेड़ों के नीचे से निकल रहे। चल जैन, ना आजू ना बाजू, मुड़ जा तू और मैं भी, चल देख के भाई। ओ रुको आंटी, और याद है ना रास्ता तेरे को, क्या मेरे तरफ क्या देख रहा है भाई, देख मेरे को आधा रास्ता पता है ना जिस जगह अपन अभी जा रहे हैं। भाई बाजू से निकला भाई, उधर जो है ना थोड़ा सा पूछना पड़ेगा, फिर आगे का जो है ना लाइन एकदम क्लीन एंड क्लियर है। क्यों बे, अबे बच्चों की छुट्टी हो गई है, स्कूल में फड्डा हो गया बोलता है बेटा जैन। अभी भी याद है बेटा, तू इसी साइकिल में निकलता था, टाई पहन के, चमकता हुआ शूज, ओहो नीचे मुंडी करके, ऊपर तो देखता ही नहीं था जैन, कड़क एकदम। सियरा मेरा स्कूल, और मेरे स्कूल के सामने देखो कितना भीड़ लगा यार, बच्चों की छुट्टी हो गई है, सही है, पुराने दिन फिर से जो है ना ताजा हो गए, सही है भाई, इतनी लंबी लाइन लगी है। अभी जिस जगह अपन जा रहे ना उसके लिए जो है ना मेरे को गूगल मैप खोलना पड़ेगा, यानी कि उत्कर्ष के मोबाइल में, जहाँ तक बात करते रूट की, और यहाँ से जो है अपन जाएंगे डीपीएस चौक से और थोड़ा सा आगे यानी कि वीआईपी नगर से और आगे यानी कि शारदा विद्यालय, वहाँ तक अगर अपन पहुँच जाएंगे ना, फिर वहाँ से जो है ना हमें रूट इजीली पता चल जाएगा। अपन पहुँच गए हैं रिसाली चौक के पास, अब इसे भी जो है ना जल्दी से पहले क्रॉस करते, क्या गरम गरम हवा फेंक रहा है यार, और उत्कर्ष की जो है ना हवा टाइट हो रही है धीरे धीरे करते करते। ओए होए होए कितना भीड़ लगा यार, देखो जूस ठेला के सामने, और ये रहा डीपीएस स्कूल, फिर इसके आगे जो आएगा वो है मार्केट, फिर वीआईपी नगर, होए होए खरबूजा और देसी खीरा, सही है भाई। लीजिए ये आ चुका है रिसाली का मार्केट, यहाँ से भी जो है ना और आगे जाना, चौक एक नंबर पूरा पेंट हो गया, देख रहे हैं, अच्छा है, शांति है इधर। आज अपन जा रहे हैं माता शीतला मंदिर की तरफ, और देखते हैं वहाँ पे अभी किस तरह का जो है व्यू मिलेगा, आज अष्टमी है तो कल आखिरी दिन है, तो कल का भी जो है ना व्यू जबरदस्त रहने वाला है। सियरा शारदा विद्यालय जो है ना, अब यहाँ से लेफ्ट साइड टर्न होना है, फिर सीधा सीधा आगे की तरफ बढ़ना है, सियरा मस्जिद, जस्ट मस्जिद के बाजू में ये बना हुआ है ये मंदिर, बहुत ही ब्यूटीफुल यार, एंट्रेंस तो कमाल का। पहले जो है अपनी हायाबुसा को जो है पार्क करना पड़ेगा सेफ जगह, चलो चलो चलो, लॉक कर लिया अच्छे से, चल सियरा मंदिर, तो चलो फिर जल्दी से चलते हैं, पल वगैरह यहीं पे उतार देते हैं, दिया गया है यहाँ पे प्लेस, सेफ जगह उतार दे तो गायब हो जाएगा। कहाँ से एंट्री आंटी, एंट्री कहाँ से है, एंट्री मंदिर में। गाइस यहाँ पे देखिए अभी हवन हो रहा था कुछ देर पहले, अपन थोड़ा सा लेट हो गए, जय माता दी। तो गाइस सियरा मंदिर अंदर से कुछ इस तरह का व्यू है, बहुत ही ब्यूटीफुल यार, आज अष्टमी है और कुछ इस तरह का जो है व्यू मिल रहा है देखने को, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार। इतना मंदिर बाहर से सुंदर दिख रहा है, उतना ही मंदिर अंदर से भी है, देखो चलो आप लोगों को मैं दर्शन कराता हूँ एकदम क्लोज से, जय माता दी। घर बैठे आप लोग दर्शन कीजिए, माता रानी बहुत ही खूबसूरत लग रही है सजी हुई, जय माता दी। इतने सारे भक्त जन आ रहे धीरे धीरे करते करते माता रानी का जो है दर्शन करने के लिए, और ये रही माँ कल्याणी शीतला माता, बहुत ही प्यारा है मंदिर है, और ये रही माता रानी यहाँ पे जो है विराजमान है। माता रानी सभी की जो है मनोकामना पूरी करे, भी स्वस्थ रहे, और साथ ही साथ जो है हमारी भी मनोकामना पूरी करे, जय माता दी। तो चलो फिर उस साइड चलते हैं, वहाँ पे जो है क्या हो रहा है आई डोंट नो, उधर जाकर ही पता चलेगा। इस तरह का यहाँ पे जो है सीन है, माता रानी का जो है भोग खिला रहे यहाँ पे बैठा कर जस्ट मंदिर के बाजू में, बहुत ही खूबसूरत। अगर इधर देखिए सारे के सारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, माता रानी का जो है प्रसाद खा रहे हैं, बहुत ही प्यारा है यार। आज अष्टमी है तो बहुत ही सुंदर व्यू मिल रहा है देखने को, और कल नवमी है यानी कि लास्ट दिन, और पता नहीं कल कितने धूमधाम से जो है मनाया जाएगा, यानी कि बहुत बड़ा दिन है, और यहाँ पे बच्चों को जो है गिफ्ट के तौर पर टिफिन दिया जा रहा है, देखो बहुत ही प्यारा। तो कन्याएं को यहाँ पे जो है कॉइन्स दिया जा रहा है माता रानी के रूप में, ये सभी लोग जो है माता रानी के छोटे छोटे रूप है, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे लोग हैं,
तो चलिए अब चलते हैं दूसरी जगह। गाइस ये रहे भैया जो कि यहाँ पे मंदिर में जो है कार्य करते हैं, और भैया जो है ना थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे मंदिर के बारे में। भैया प्लीज दीजिए। मंदिर बड़ौदा टैंक की स्थापना 1995 में हुई थी। ओके। प्रथम बार चैत नवरात्रि में यहाँ पे 7 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए। अच्छा। उसके बाद से लगातार चैत नवरात्रि और कंवर नवरात्रि दोनों नवरात्रि का पर्व यहाँ पे मनाया जा रहा है। और इस वर्ष हमारे माँ कल्याणी शीतला मंदिर में 1200 ज्योति कलश प्रज्वलित है। भक्तों की श्रद्धा आस्था के अलावा यहाँ पे भक्तों के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यहाँ से खूबसूरत लग रहा है, इतने सारे लोग आए हैं, मतलब अलग ही व्यू मिल रहा है देखने को। और आज अष्टमी है और कल लास्ट है, तो कल का पता नहीं, बोल नहीं सकते और कितने सारे भक्त जन आएंगे। ब्यूटीफुल, लेकिन मंदिर को जिस तरह सजाया गया बाहर से भी उतना प्यारा है जितना अंदर से, और भी ज्यादा खूबसूरत है क्योंकि माता रानी विराजमान है यहाँ पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। माता जी का श्रृंगार होता है प्रत्येक 9 दिवस में अलग अलग श्रृंगार। हाँ, 9 दिन 9 प्रकार से जो है माता रानी को सजाया जाता है। इसके अलावा पंचमी में 108 थालों से महाआरती होती है। अच्छा, 108 थालों से जो है महाआरती होती है। ओके, धन्यवाद। गाइस जस्ट मंदिर के पीछे देखो, यहाँ पे जो है भगवान जी का प्रसाद बट रहा है, यानी कि खिचड़ी दोना में, और काफी लंबी लाइन है यार। अभी मैं वहीं पे था लेकिन वापस रिटर्न आ गया। खैर एनीवेज, अब चलते हैं मेला की तरफ, आप लोगों को मेला दिखाता हूँ किस तरह का जो है व्यू मिलेगा। चलिए गाइस अब चलते हैं, ये रहा रूट मेले की तरफ। और धीरे धीरे करते करते देखो यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स लग रहे हैं अभी सारे जो है स्ट्रीट फूड्स के। वाओ यार, ब्यूटीफुल बैग्स फॉर लेडीज। और ये रहा स्टॉल, ये देखो स्ट्रीट फूड्स, चाट समोसा, बच्चों के लिए खिलौने, देखो वाह वाह। जरा इधर देखिए गुपचुप, सही है। मुझे जो है ना बार बार स्क्रीन में जो है ना टैप करके रखना पड़ रहा है ताकि ब्लैक ब्लैक ना हो। और ये देखो सारे जो है घर से रिलेटेड है देखो सामान। और यहाँ पे जो है इस वक्त बार्गेनिंग चल रही है, होम अप्लायंस से रिलेटेड चीज़ें। और यहाँ पे देखो क्लोथ्स, ब्यूटीफुल लेडीज लोगों के लिए। ये रहा रास्ता अंदर तरफ जाने का। ये रहे सारे स्टॉल्स मेले के अंदर है देखो आमने सामने। कितने कितने प्राइस वाले हैं सारे? 60 के 100 ग्राम और 80 के भी 100 ग्राम। चूरन गोली सेंटर है देखो, सही है। गन गेम अभी फिलहाल बैलून लगा रहे हैं। बहुत बड़ा है भाई, मैं तो अभी देख रहा हूँ भाई कितना बड़ा है भाई। एंड गाइस ये रहा आकाशी झूला, बहुत ही ब्यूटीफुल यार। हाल तो अभी जो है मेला जो है 1 घंटे के बाद स्टार्ट होगा। और ये रहा देखो मेरा फेवरेट टोरा टोरा, ब्यूटीफुल यार, है ना। जब चलता ना तो पूरा मतलब बवाल मचा देता है। और ये रहा बच्चों के लिए ट्रेन, ब्यूटीफुल। हर जगह मैं देख रहा हूँ ना 30-40 रुपए कुछ इसी तरह का जो है ना रेट है। गाइस ये देखो बोट वाला झूला, आई डोंट नो इसका नाम क्या है, और इसका प्राइस है मात्र 30 रुपए। वो देखो वहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो ड्रैगन वाला झूला, इसका भी जो है ना प्राइस 30 रुपए। चलिए अब चलते बाहर की तरफ। रहने दे पिएगा, कौन सा कोल्ड ड्रिंक है? ऑरेंज। कौन से दुकान में बन रहा है ये वाला? की वाला तो यहाँ पेटीएम हो रहा है, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक बन रहा है। ये ग्लास पूरा वॉशेबल है ना, पूरा अच्छे से वॉश है ना, साफ है ना। थोड़ा जूस का चाशनी, थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा सा पानी, और उसके ऊपर बर्फ के टुकड़े कुछ इस तरह जो है शेक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमारा कोल्ड ड्रिंक रेडी है। कितना है इसका प्राइस? 15। तो भाई अपन निकल रहे घर की तरह। आई होप कि छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ आज की इस ब्लॉग में बस इतना ही। दिस इज देवांशु साइनिंग ऑफ, आप लोगों को मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग पे। सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।